राम गोपाल वर्मा की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द अटैक्स ऑफ 2611 हैज परफॉर्म्ड बैडली एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन उसमें मेन टेररिस्ट का रोल कर रहे संजीव जायसवाल को लोगों ने काफी पसंद किया है। हमने की संजीव से एक खास मुलाकात जहां उन्होंने शेयर की अपने दिल की बात। I'm not saying whether we can do or we cannot do. I'm saying I don't know what to do. राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म के लिए ढूंढ कर लाए एक ऐसा एक्टर जिसकी शक्ल काफी हद तक ओरिजिनल टेररिस्ट से मिलती थी। तो कैसे मिला संजीव को ये रोल? लास्ट ईयर 2012 फेब में एक ऑडिशन चल रहा था 2611 के लिए। मैं मिल्लत नगर में रामू सर का ऑफिस है, मैं वहाँ पे गया हुआ था। तो वहाँ कास्टिंग डायरेक्टर है हर्षल बांदीव देकर, उनसे मैं मिला, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा आप एक ऑडिशन चल रहा है, आ जाओ देने के लिए। तो मैं उस ऑडिशन के लिए 2-3 दिन बाद गया हूँ। बट उस दिन हो नहीं पाया। फिर आफ्टर 2-3 डेज़ मैं अगेन वहाँ जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, ऑडिशन देता हूँ। और एक प्रोसेस, 1-1.5 महीने का एक प्रोसेस होता है, इसमें लुक टेस्ट इंक्लूडेड है प्लस जो भी है। तो उस प्रोसेस से गुजरने के बाद मुझे ये रोल मिला। क्या आपको पता है कि संजीव की एक्टिंग ने लोगों को इस हद तक कन्विंस कर दिया था कि थिएटर में आई ऑडियंस ने उन्हें स्क्रीन पर देखकर जूते चप्पलों की बरसात कर दी? तो कैसा लगता है संजीव को ये देखकर? नहीं नहीं, वो कैरेक्टर के लिए गुस्सा है, वो कसाब से नफरत कर रहे हैं, कसाब से। बट एज एन एक्टर वो मुझसे बहुत प्यार कर रहे हैं, वो मेरी एक्टिंग को सराह रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि इस लड़के ने इतना कन्विंस कर दिया कि हम गाली देने को मजबूर हो रहे हैं, मैं इसे रियल समझा जा रहा है। सो एज एन एक्टर वो मुझे बहुत इज्जत दे रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बट एज अ कैरेक्टर तो कसाब से हर कोई नफरत करता है, इवन आई हेट हिम, मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वैसे किसी के घर वाले ये नहीं चाहते कि उनके बेटे से देश की आवाम नफरत करे, तो क्या कसाब के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उन्हें उनके घर वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी? सी ऐसा रिएक्शन कुछ नहीं आया। कसाब से लोग हेट कर रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ, मेरे फैमिली में भी हर कोई उसे हेट करता है। बट क्या है कि एज एन एक्टर अगर इसको देखा जाए तो सबको पता है, अगर आप कसाब जैसा रोल करते हो तो ये बहुत चैलेंजिंग रोल है, खुद को उस लेवल तक कन्विंस कर पाना या दूसरों को कन्विंस कर पाना। सो एज एन एक्टर वो लोग मतलब सोच रहे थे यार एटलीस्ट आप एक अच्छा रोल करने जा रहे हो, एक ज़बरदस्त कैरेक्टर करने जा रहे हो। बट इन रियलिटी वो कोई नहीं चाहता कि आप कसाब करो, यार मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं कसाब जैसा रोल करूँ। बट एज एन एक्टर तो मेरे लिए चैलेंजिंग चीज़ है, इसलिए मैंने किया। जैसा भी बिजनेस किया हो, लेकिन लगता है कि संजीव की गाड़ी अब लंबी चलने वाली है। व्हाट डू यू थिंक?